इस तरह के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? भाई ये आपको जो डिटरमिनेंट निकालने का मेथड बताया है वैसे निकालिए, जिस किसी ने क्लास की है। वन प्लस एक्स 99 यही था। जरा देखिए मैंने आपको डिटरमिनेंट, कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट इसी तरीके से, सच में इसी तरीके से ओपन करवाया। बात मानो चाहे मत मानो, ऐड कर दो सबको, कितना आएगा? 19 प्लस एक्स या एक्स प्लस 19 ना। हाँ पता नहीं कितने कितनी बार करवाया गया ऐसे, क्या आएगा बाहर? हाँ पढ़ना वढ़ना है नहीं कुछ, बस सिलेबस खत्म कर रहे हैं। बोलो क्या बाहर लेना है? अरे कमाल है, एक्स प्लस 19 आउटसाइड, बस अब क्या है? इट्स जस्ट मैटर ऑफ अरेंजमेंट। ऐसे करवाए आपको क्वेश्चंस, मना नहीं कर सकते, ऐसे ही करवाए। डिटरमिनेंट बहुत तरीके से ओपन हो जाता है, बट ये सबसे सबसे बढ़िया मेथड लगा। तो इसके हेल्प से ये जीरो बना लीजिए, अब तो बना ही लेंगे। एक्स माइनस 8 का स्क्वायर आएगा, डोंट वरी, बट क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है, तो खत्म भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है जी। एक्स माइनस 8 ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में परिवर्तित हो गया, डिटरमिनेंट बताओ अंदर वाले का। अरे बोलो बाबा, इनटू यहाँ तक ठीक है, ये आपका एफ एक्स है, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, उसमें मैट्रिक्स क्या करेगा? हो गया मैट्रिक्स खत्म, साथ दीजिए इधर। ये सॉल्व क्यों? अब ये हो गया, देखिए ये वन वेरिएबल का फंक्शन दिया है, उसका मैक्सिमम पूछ रहे हैं आपसे इंटरवल 9-10 में। अब इसको एनालिसिस की तरह करिए, 1 मिनट ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई, ऑल ऑफ यू सॉल्यूशन मिलेगा भाई, यहाँ तक आए तो मिलेगा आपको। तो ये यही देख के डर लग रहा था कैसे ओपन होगा क्या ये, मेरे को ये बताओ आप लोग, हाँ जी इसी मेथड से आपको कई सारे डिटरमिनेंट्स नहीं निकल पाए? बोलो भाई यही तो, कुछ और थोड़े ना आया। देखिए एग्जाम में आया है, आ रहे हैं, आएगा, बरसों से आ रहे हैं, आगे तक भी आएगा। आपको यही तो बोला जाता है, लेक्चर अप टू डेट करके आइए, सारा काम हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, करो कुछ, करो करो, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो फंक्शन, फिर डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव। क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आइए जरा इधर बात करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? आप चाहो तो पूरा ओपन करके कर सकते हैं, बट पूरा ओपन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको ऐसे रहने दो। एक्स माइनस 19 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस दिस इज 3x प्लस 30, तो दिस इज 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10, यही है ठीक है ना जी। ये जीरो किन पॉइंट्स पे होगा, किन पॉइंट्स पे जीरो होगा? ठीक है ना, एंड पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह आप सब देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से एनालिसिस लगा के, सिंपल एनालिसिस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अच्छा मैं लेट मी शो यू समथिंग, ऑल ऑफ यू सोच रहे हैं आपकी 12वीं क्लास की तरह, अरे भाई इतना एनालिसिस तुमने अपने दिमाग में घुसा लिया। जरा देखिए ये इंटरवल है आपका, ये हुआ है सबके पास, सबके सामने कभी ना कभी ये हुआ है, अगर कोई फंक्शन इंटरवल ए बी पे इंक्रीजिंग है, एफ इज इंक्रीजिंग, तो सुप्रीमम लास्ट पॉइंट पे होगा, इनफिमम फर्स्ट पॉइंट पे होगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंटरवल, कोई फंक्शन इंटरवल ए बी पे डिक्रीजिंग है, तो सुप्रीमम किस पॉइंट पे होगा? फर्स्ट पॉइंट पे, इनफिमम लास्ट पॉइंट पे। अभी करा देते हैं आपको, ये तो निकल गया जो है, अब देखिए जरा यहाँ लास्ट में आइए। यस ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10, साथ देना भाई, गड़बड़ मत करना। एफ डेरिवेटिव x में एक तो 3 था और क्या था, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10, मैं आपके सामने सब कुछ लिख रहा हूँ। ये जीरो कब होगा? ये पॉजिटिव कब होगा?
और ये नेगेटिव कब होगा? बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कब आके इधर हिट कर देगा पता भी नहीं लगेगा। याद करिए जरा, बेसिक्स तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? हाँ, याद नहीं आ रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है कब होता है? सेम साइंस। दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव है कब होगा? ऑपोजिट साइन। हाँ जी, दिस इज पॉजिटिव है, इन दोनों का साइन सेम हो, यानी एक्स माइनस एट पॉजिटिव एज वेल एज एक्स प्लस टेन पॉजिटिव, और एक्स माइनस एट नेगेटिव एक्स प्लस टेन नेगेटिव। बाद वाला बाद में करेंगे। हाँ जी, इसका मतलब एक्स एट से ज्यादा है, एक्स माइनस टेन से ज्यादा है, या बोलिए। हाँ जी, एट से ज्यादा माइनस टेन, ओके, दिस इज माइनस टेन एंड दिस इज योर एट। बिगर देन माइनस टेन एंड बिगर देन एट, दोनों का इंटरसेक्शन तो बिगर देन एट है, दिस इज एक्स ग्रेटर देन एट। नहीं, यहाँ आप समझ ही गए, ये एट से कम और माइनस टेन से कम, माइनस टेन से कम। तो ये वो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला भी ऑब्वियसली इसके बीच में ही होगा। सो आप कह सकते हैं एफ डेरिवेटिव एक्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इफ एक्स इज ग्रेटर देन एट और एक्स इज लेस देन माइनस टेन। जरा आइए, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा, बोलो भैया, कुछ बोल भी दो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? अब इसका एक डायग्राम बनाया जा रहा, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, साथ आइए प्लीज। वो इस पे पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो रेड वाले को मत देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बताइए। हाँ जी, जब जब एक्स एट से ज्यादा है तो ये आपका फंक्शन कैसा जाएगा? एट के बाद इंक्रीज कर रहे तो नाइन टेन पे भी तो इंक्रीज कर लो। हो गया क्वेश्चन खत्म, बात समझ में अभी? उसके पहले क्या करना है आप, क्या करना है आप, उसके पहले आपको नाइन टेन में इंटरेस्ट था ना, तो आई थिंक एफ इज, यस एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द होल ऑफ एट कॉमा इन्फिनिटी। अगर ये इंटरवल एट इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग है तो नाइन टेन पे भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन का सुप्रीमम कहाँ होगा भाई? ऑब्वियसली। क्लियर हो गया सबको? ये अपना बात नहीं करिए बीच में, गलत बात है। दिस इम्प्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, बताओ नाइन टेन, बताओ। प्योर एनालिसिस लग गया, लेकिन ट्रेडिशनल है, तो जल्दी से बताइए सुप्रीमम एफ क्या आएगा। व्हाट इज एफ टेन, अब कहाँ गया है, वेयर इज एफ, इसमें टेन डाल के बताइए जरा क्या है, देखें मैच कर रहा है नहीं कर रहा। टेन प्लस नाइनटीन, दिस इज टेन माइनस एट का स्क्वायर, एंड दिस इज 29 into 4, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन।